साथ ही आपको बता दें कि यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली में आज पांचवें चरण में मतदान करवाया जा रहा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अमेठी, जालौन, झांसी लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर लोकसभा सीट पर भी आज पांचवें चरण में वोटिंग हो रही है। साथ ही बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार ये मतदान चलेगा। आज पांचवें चरण के लिए मतदान हो रहा है। वहीं कौशाम्बी, बाराबंकी, गोंडा लोकसभा सीट पर भी आज पांचवें चरण में मतदान करवाया जा रहा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फैजाबाद, कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी आज पांचवें चरण में मतदान हो रहा है। 14 लोकसभा सीटों पर 2.68 करोड़ से अधिक मतदाता है आज, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां आज यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है, वहीं बता दें कि पांचवें चरण में कुल 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज पांचवें चरण में मतदान हो रहा है। 14 लोकसभा में 28,688 पोलिंग बूथ हैं और 4,232 क्रिटिकल बूथ बनवाए गए हैं। 14 लोकसभा हैं और 131 पुरुष और 13 महिला प्रत्याशी हैं इसमें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर लोकसभा में सबसे अधिक 15 प्रत्याशी और कैसरगंज लोकसभा सीट पर सबसे कम यानी कि 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से सामने आ रही है, जहां पर आज पांचवें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ही मतदाता बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी से, जहां 14 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि आज कई प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं लखनऊ, मोहनलालगंज और रायबरेली में भी मतदान होना है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पांचवें चरण के लिए लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और अगर यूपी की बात करें तो 14 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। उसमें सारी सीटें शामिल हैं, लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर लोकसभा सीट पर आज सुबह से ही वोटिंग हो रही है। वहीं कौशाम्बी, बाराबंकी, गोंडा लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैजाबाद, कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। वहीं सबसे कम प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा सीट पर है और उनकी संख्या है 4। 14 लोकसभा सीटों पर 2.68 करोड़ से अधिक मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। पांचवें चरण में कुल 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। ये मतदान केंद्र की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। 14 लोकसभा है, 131 पुरुष है और 13 महिला प्रत्याशी है जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस समय हम लोकसभा सीट बाराबंकी में हैं और यहां पर सिरैया प्राथमिक विद्यालय सिरैया में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। मतदान प्रारंभ हो चुका है और हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पे वोट करने निकले हैं और क्या रहेगा। क्या नाम है चाचा आपका? राम नरेश यादव। किन मुद्दों पे वोट करने निकले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दे तो चल रहा है, जो ठीक चल रहा है, क्या नाली, रोड, सड़क, क्या 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 विषय रहेगा वोट डालने का? नहीं, सारी व्यवस्थाएं जो है हो रही हैं, बन रही हैं, चल रहा है और वो सड़क भी बन रही है, नालियां भी बन रही हैं, सफाई कर्मी भी आ रहे हैं, कार्य सब अच्छी तरह से हो रहा है। आप भी आए वोट डालने, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपको? चुनावी मुद्दे उसमें क्या है, मतलब आदमी अपने समझ से वोट डाल रहा है तो आप देख सकते हैं जो मतदाता है वो वोट डालने पहुंच चुके हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, MKN न्यूज, बाराबंकी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रेहान वारसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेहान, लगातार आज यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, अगर बात करें लखनऊ की या यूपी की और सीटों की तो क्या लगता है किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल आकांक्षा, मैं बताना चाहूंगा यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है। हालांकि लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और कई सीटों पर मतदान है और मतदान जारी हो चुका है। मतदान स्थल पर पांचवें चरण पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा बल की भी काफी इंतजामात किए गए हैं।
वहीं बिहान अगर बात करें तो ये भी सामने आ रहा है कि आज कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दाव पर लगी हुई है। वहीं अगर बात करें तो लगातार बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, इसका क्या कुछ असर आज देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो चुनाव की बात, लोकसभा चुनाव की बात करें यूपी के अंदर, तो इंडिया गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के चुनाव है, लेकिन आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और ये फैसला तो 4 जून को ही सामने आ पाएगा कि जनता किसके हाथ में फैसला सुनाती है। लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा मैदान में है। अमेठी में स्मृति ईरानी और केएल शर्मा जी हैं। और रायबरेली की बात करें तो जहां पर पहले सोनिया गांधी सांसद रहा करती थी, वहां से उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया है जी। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो दिलचस्प है। वही बिहान अगर बात करें तो जो यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक भूमिका निभाती हैं लोकसभा चुनाव में, और बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में यूपी की ही सीटों से उतारा जाता है, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला है वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में मोड़ लेगा? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और यहाँ से कई केंद्रीय मंत्री और हालांकि रक्षा मंत्री की बात करें तो कई लोग मैदान में है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव दिलचस्प है और काफी अच्छा चुनाव है। वहीं बिहान अगर बात करें तो लगातार सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं और आज बड़ी बड़ी सीटों पर मतदान है। लखनऊ की बात करें तो वहां भी जो मतदाताओं की संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? जी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है, यूपी पुलिस के जवान तैनात है और अगर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, तो मतदान स्थल पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था काम है, हालांकि पुलिस फोर्स तैनात है। ठीक है रेहान वापसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। वहीं बता दें कि 144 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। वहीं 14 लोकसभा में 28,688 पोलिंग बूथ हैं और 4,232 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं और 131 पुरुष और 13 महिला प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में है। यूपी की बात कर ले तो लगातार आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके से मतदाता आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत पर मत देकर उनको जीत दिलाएंगे या हार दिलाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।